लखनऊ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 28 नवंबर से, लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी असेंबली का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से होगा, 28 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, 28 नवंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरुआत होगी। तो देखिए 28 नवंबर से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, 28 नवंबर से यूपी विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हमारे सहयोगी सीमा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, क्या जानकारी सामने आ रही है, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत 28 नवंबर से होगी? देखिए 28 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और अयोध्या में कल जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें सत्र को लेकर प्रस्ताव भी पास कर लिया है। साथ ही साथ इस जो सत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अनुपूरक बजट भी लाया जाना है इस सत्र में। 2024 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से जो अधूरी पड़ी योजनाएं हैं सरकार की उनको पूरा कर लिया जाए ताकि चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो वादे किए गए थे, उनको जनता के बीच में ले जाया जा सके। तो 28 तारीख से डेट आई है शीतकालीन सत्र की और वो शुरुआत 28 तारीख से होगा। हालांकि एक सप्ताह चलने का कार्यक्रम है कि सत्र एक सप्ताह चलेगा, उसमें विपक्ष ने भी तैयारियां शुरू कर दी है कि जिस तरह से सरकार पर हमलावर रहना है और सरकार भी अपनी खूबियां सदन में गिनाने का काम करेगी, उसने क्या काम किया है और क्या क्या चीजें आगे करने वाले हैं, उन सब चीजों पर बहस होगी, चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा इस जानकारी के लिए।